प्रियंका गांधी आज ग्वालियर में सभा को संबोधित करेंगी। एक महीने में प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंधिया के घर में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रियंका आगाज करेंगी। प्रियंका गांधी सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाएंगी और पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगी। रैली को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस ने कई तैयारियां की है। 10,000 से ज्यादा बसों से मेला ग्राउंड पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो वहीं 5,000 ट्रैक्टरों से किसान इस रैली में शामिल होंगे। 20,000 से ज्यादा कार और जीप से भी पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां आएंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा दूसरे वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी का स्वागत करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सीटों पर जीतने का कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है। जबलपुर के बाद ग्वालियर में प्रियंका गांधी की ये दूसरी बड़ी सभा है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा होने जा रही है और चुनावी शंखनाद जो है होने जा रहा है। बता दें आपको, इससे पहले भी प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर और इस बार का दौरा भी बहुत खास रहने वाला है। सिंधिया के घर में जो है प्रियंका गांधी पहुंचने जा रही हैं, सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी आज जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगी। बता दें ग्वालियर चंबल संभाग की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई को अर्पित करेंगी श्रद्धा सुमन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। 10,000 बसों से पहुंचेंगे कार्यकर्ता। ग्वालियर का दौरा है प्रियंका गांधी का, बेहद ही खास होने वाला है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये दौरा अहम माना जा रहा है। बता दें आपको, चुनाव नजदीक हैं और उसको लेकर के लगातार दौरा जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और बता दें, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के दौरे पर इसी महीने प्रियंका गांधी रह चुकी हैं और एक बार फिर से वो पहुंच रहे हैं। तो पीसी शर्मा ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर बयान दिया। उनका कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का जन्मदिन एक दिन है और दोनों का डीएनए प्रियंका गांधी में है। वो अच्छे समझती हैं और जब ग्वालियर आ रही हैं तो सबसे पहले वो जा रही हैं रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक पर प्रणाम करने के लिए। और ये अपने आप में एक संदेश है कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से और उस समय के राजा महाराजा सिंधिया सबसे लड़ी थी और शहीद हुई। और ये ध्यान रखें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस 19 नवंबर होता है और श्रीमती इंदिरा गांधी का भी 19 नवंबर होता है और ये दोनों के डीएनए प्रियंका गांधी जी में है। तो पीसी शर्मा को आपने सुना, उनका बयान आया कि प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर उन्होंने कहा कि उनका कहना था रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का जन्मदिन एक दिन है और दोनों का डीएनए प्रियंका गांधी में है। तो प्रियंका गांधी की तारीफ जो है पीसी शर्मा द्वारा की गई है। बता दें, सेंध मारने के लिए दिग्गजों के सेंधगढ़ में सेंध मारने के लिए प्रियंका गांधी आज पहुंच रही हैं ग्वालियर और सभा होने वाली है और खास ये दौरा जो है प्रियंका गांधी का रहेगा। बता दें, इसी पर पीसी शर्मा ने बयान भी दिया, तारीफ भी की। रानी लक्ष्मीबाई इंदिरा गांधी का जन्मदिन एक दिन आता है, दोनों का डीएनए प्रियंका गांधी में मौजूद। तो ये बातें पीसी शर्मा द्वारा कही गई हैं। आज ग्वालियर दौरे पर प्रियंका गांधी रहने वाली है
और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिग्गजों के गढ़ में सेंध मारने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं आज। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये कहा जा सकता है, क्योंकि 2018 के अगर चुनाव की बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग कांग्रेस के लिए एक मुफीद इलाका रहा था। अगर कुल सीटों की बात करूं तो 34 सीटों में से 27 सीटें यहां कांग्रेस को मिली थी, और यही कारण है कि कांग्रेस का इस इलाके पर विशेष फोकस है। हालांकि उपचुनाव हुए उसके बाद थोड़ी परिस्थितियां बदली थी, लेकिन अगर वर्तमान की भी बात करूं तो कुल 34 में से 17 सीटों पर दोनों ही पार्टियों का कब्जा है। तो ऐसे में 2018 के परिणाम को दोहराने का प्रयास जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सभाओं के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है। लेकिन उसके अगर उलट अगर बीजेपी की देखते हैं तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम जो दिग्गज हैं वो इस इलाके से आते हैं, तो ऐसे में उनकी साख जो है वो भी दांव पर रहती है। और यही कारण है कि वो प्रयास में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि इस जो 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस को विजय मिली थी उसके उलट जो है इस बार चीजों को बदला जाए और बीजेपी को यहां पर बढ़त दी जाए। तो अब देखना होगा कि उनके इस दौरे के बाद कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाता है। वाकई, क्योंकि ये तो देखने वाली बात होगी शैलेंद्र की, आखिर कितना फायदा इस दौरे से मिलता है। क्योंकि शैलेंद्र, बात ये भी है ना कि कितनी भी कोशिश बड़े दिग्गजों द्वारा की जा रही है पर गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस में खत्म नहीं हो रही है। लड़ाई झगड़े की तस्वीरें हम देखते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव की तस्वीरें हम देखते हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो आज प्रियंका गांधी का दौरा है और बहुत खास जो है ये दौरा रहने वाला है, ग्वालियर का दौरा रहेगा। बता दें, दिग्गजों के गढ़ में सेंध मारने की तैयारी में प्रियंका गांधी हैं। एक महीने के अंदर दूसरी बार का ये दौरा है उनका और बेहद ही खास होने जा रहा है। भले ही मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन उसके पहले दोनों ही राजनीतिक दल अब एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से अब कांग्रेस की एक बड़ी सभा ग्वालियर चंबल संभाग के मुख्यालय में ग्वालियर में होने जा रही है, उसमें प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता है, चाहे पीसीसी कमलनाथ की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे तमाम जो नेता यहां रहने वाले, आप देखिए तैयारियों का मैं बता सकता हूं कि कितनी व्यापक तैयारियां जो है यहां की जा रही है। और जिस तरीके से जो जबलपुर में सभा हुई थी वो काफी छोटी सभा थी, और यही कारण है कि भीड़ कम होने से कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ने नाराजगी जाहिर की थी और पूरे दम से रैली को सफल बनाने के लिए जुट जाने का ऐलान किया गया था, आह्वान किया था। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो तैयारियां हैं वो यहां कर रहे, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लगता है कि ये ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से रैली कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? देखिए, ये मान के चलिए 2023 में जो विधानसभा चुनाव है इस बार का, इसमें जो जनता ने मन बनाया कांग्रेस को लाने का, तो हमारी राष्ट्रीय महासचिव जो प्रियंका गांधी जी पधार रही हैं, कल के उनके उद्बोधन के बाद में आप ये मान के चलिए कि एक नई ऊर्जा, नई एक लहर का एक नई किरण के साथ उदय होगा और कांग्रेस इसमें फतह करेगी इसके बाद। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि ये इलाका जो है नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग आते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस कितना मुकाबला करेगी? देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर बात अपन सिंधिया की कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, सिंधिया 18 में थे तो वो ये मानते थे कि कांग्रेस उनकी वजह से आई है, लेकिन 18 के बाद हमने मेयर का चुनाव जीता, जो 57 साल से नहीं जीता, जो उनके रहते नहीं जीता, वो हमने जीत के दिखाया। हमारे कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता उनके जाने के बाद मुक्त हो गया है जो बंदिशों में था, और उसके बाद पार्षद भी हमारे बड़े हैं। उपचुनाव जो हुआ, उपचुनाव में भी हमने सीटें हासिल की हैं, और जो आने वाला चुनाव है वो बता देगा कि उनकी स्थिति क्या है। वो कांग्रेस से थे या कांग्रेस उनसे थी, क्या लगता है कि जब प्रियंका जी आएंगी उद्बोधन होगा, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में रहेगा? नहीं, कार्यकर्ताओं में पहले से ही बहुत उत्साह है, क्योंकि आपकी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मामा की जो सरकार है, उसने पूर्व सैनिकों का प्लस महिलाओं का और ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े किए हैं जिसकी वजह से हर आदमी त्रस्त है, और आम जनता ये चाहती है कि इस भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, जिससे जो भी हक हमारे आम जनता के, जो महंगाई है और पूर्व सैनिकों का जो हक उनने मार रखा है, पूर्व सैनिकों के पास ऊपर FIR कर रखी है, प्लस जिनको फर्जीवाड़ा करके भर्तियां कर रहे हैं 10-10, 15-15 लाख रुपए लेके, एक ही परिवार से और एक ही सेंटर से 10 लोगों में 7 लोग टॉपर आ रहे हैं, ये क्या है? और उनसे इंटरव्यू में मीडिया जब पूछती है तो उनको सही तरीके से प्रदेश के कितने जिले